मोटरसाइकिल में एक गियर को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना थ्रॉटल छोड़ना पड़ता है, क्लच दबाना पड़ता है, क्लच दबा के आप गियर चेंज करते हैं, गियर चेंज करने के बाद वापस क्लच छोड़ते हैं एंड देन जो है आप अपना थ्रॉटल वापस ओपन करते हैं। अब ये प्रोसेस जितना बोलने में लंबा लगता है, जी हाँ, उतना सुनने में ही लगता है और साथ ही करने में भी उतना ही लंबा लगता है, लेकिन हो सकता है आपको नहीं लगता हो क्योंकि आपके लिए वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैटर नहीं करता होगा, लेकिन MotoGP राइडर्स के लिए करता है और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को बचा के वो बेहतर लैप टाइम्स कर पाते हैं और उनकी मोटरसाइकिल और ज्यादा फास्ट हो पाती है और ये करने के लिए क्विक शिफ्टर्स डिजाइन होते हैं। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं SR मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं क्विक शिफ्टर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विक शिफ्टर कैसे काम करता है, साथ ही क्विक शिफ्टर क्या एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, क्विक शिफ्टर से ट्रांसमिशन डैमेज हो जाता है या फिर क्विक शिफ्टर जो है कैसे काम करता है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नॉलेजेबल वीडियोस बनाने में मुझे आपको नॉलेज देने में काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था बहुत टाइम से तो फिर मैंने बंद कर दिया था, लेकिन लोग कहने लगे कि आप नॉलेजेबल वीडियोस बनाइए, तो अब ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ और इस पर हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। 5000 लाइक्स आई थिंक नॉमिनल है, तो इसका हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं और साथ ही ये टारगेट रहेगा कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करेंगे और इस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए है। अब अगर आप एक मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हैं तो आपने क्लचलेस शिफ्टिंग तो ट्राई करी होगी, यानी कि आप भले ही आपके मोटरसाइकिल में क्विक शिफ्टर ना हो लेकिन आपने विदाउट क्लच जो है क्विक शिफ्टिंग करने की कोशिश करी होगी, यानी कि क्लचलेस शिफ्टिंग करने की कोशिश करी होगी। उसके लिए आपको थ्रॉटल जो है वो क्लोज करना पड़ता है, एक्सीलरेटर छोड़ना पड़ता है एंड देन उसमें एक स्पॉट आता है व्हीकल में, जो RPM बैंड है उसमें एक स्पॉट आता है जहां पे गियर जो है वो बहुत स्मूथली शिफ्ट हो जाता है। वो स्पॉट जब आता है जब जो ड्रिवन शाफ्ट है और ड्राइव शाफ्ट यानी कि इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट का गियर है और जो आपके व्हील के गियरबॉक्स का गियर है जब वो आपस में सेम स्पीड पर आ जाते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पर गियर बिल्कुल परफेक्टली शिफ्ट हो जाता है। अब क्विक शिफ्टर जो है वो ऐसा ही काम करता है। क्विक शिफ्टर रेसिंग मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है लेकिन अब छोटी मोटरसाइकिल्स में भी कंपनी फीचर्स बढ़ाने के तौर पर देने लगी है, जैसे कि R15 में क्विक शिफ्टर आने लगा है। क्विक शिफ्टर में क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना रहता, सिर्फ आपको अपने पैर से अपने गियर लीवर पे जो है प्रेशर, जैसे आप नॉर्मली गियर चेंज करते हैं वैसे आपको अपशिफ्ट करना रहता है और अपशिफ्ट करते में ना आपको थ्रॉटल छोड़ना है ना ही आपको क्लच दबाना है और गियर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। क्विक शिफ्टर इस काम के लिए होता है। अब जब आप नॉर्मली गियर चेंज करते हैं तो जब आप क्लच दबाते हैं तो जो व्हीकल के गियर्स हैं वो आपस में डिसएंगेज हो जाते हैं, जब वो डिसएंगेज हो जाते हैं तो इंजन जो है वो अलग चलता रहता है और जो आपका व्हील जो है वो अलग चलता रहता है, तो उसमें गियर चेंज करना बहुत आसान रहता है। लेकिन जब वो एंगेज्ड हैं और आपको गियर चेंज करना है तो आपका जो मोटिव है वो ये है कि जो आपके शाफ्ट्स हैं, दोनों गियर्स हैं, दोनों शाफ्ट्स हैं वो सेम स्पीड पर हों और अनलोडेड हों, उस पर ज्यादा पावर उससे जो है ट्रांसमिट नहीं हो रही हो, तो वो जो है ईजिली गियर चेंज कर लेता है। क्विक शिफ्टर का सबसे बड़ा काम यही रहता है कि जो शाफ्ट्स हैं उन्हें सेम स्पीड पर लाके गियर जो है वहां पे जल्दी से चेंज कर देना रहता है। अब ये कैसे हो पाता है? क्विक शिफ्टर जो है वो दो तरीके से काम करते हैं। क्विक शिफ्टर पहले मैं आपको बता दूं कि वो अपशिफ्ट्स के लिए काम आता है, डाउन शिफ्ट्स के लिए ऑटो क्लिपर होता है, जिसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स में आगे चल के दे दूंगा। क्विक शिफ्टर अपशिफ्ट्स के लिए काम आता है। अब अपशिफ्ट जब आपको करना है तो क्विक शिफ्टर क्या करता है कि क्विक शिफ्टर एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए आपके इंजन में स्पार्क कट कर देता है। जो स्पार्क प्लग आपका इंजन का रहता है वो फ्यूल को इग्नाइट करता है। जब फ्यूल इग्नाइट नहीं होगा उस पर्टिकुलर सेकंड के लिए स्पार्क कट हो जाएगा तो इंजन की जो पावर है वो कम हो जाएगी या प्रोड्यूस ही नहीं होगी उस पर्टिकुलर स्ट्रोक पे या उस पर्टिकुलर टाइम पर। और जब पावर प्रोड्यूस नहीं होगी तो पावर क्या होगा कि जो शाफ्ट्स हैं वो अनलोडेड हो जाएंगे, उसमें से कोई पावर नहीं जा रही होगी, तो गियर जो है वो इजिली चेंज हो जाएगा। अब ये बोलने में तो काफी लंबा लग रहा होगा लेकिन ये प्रोसेस करने में काफी छोटा है। अगर आपने क्विक शिफ्टर वाली मोटरसाइकिल चलाई होगी तो ये बात आपको पता होगी। अब क्विक शिफ्टर्स दो तरीके के आते हैं। एक तरीके का क्विक शिफ्टर तो मैंने आपको बता दिया जो कि स्पार्क कट करता है, जिससे इंजन की जो शाफ्ट्स हैं वो अनलोडेड हो जाती हैं, कोई पावर उसमें से नहीं जा रही होती है, उस पर कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं रहता, तो इजिली जो है वो गियर चेंज हो जाता है। अब जो दूसरे टाइप का क्विक शिफ्टर होता है वो होता है फ्यूल कटिंग वाला क्विक शिफ्टर, जिसमें जो है स्पार्क कट नहीं होता लेकिन फ्यूल कट हो जाता है। क्या होता है कि जब आप स्पार्क कट करेंगे और फ्यूल वहां पे फ्लो करता रहेगा तो अनबर्न्ड फ्यूल वहां पे बहुत आ जाएगा, तो इसलिए कंपनीज जो है वो फ्यूल कटिंग के मेथड पर ज्यादा शिफ्ट हो गई हैं। तो उसमें क्या होता है कि फ्यूल पंप जो है वो फ्यूल कट कर देता है और ये सिर्फ फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल्स में ही हो सकता है। फ्यूल जब कट हो जाएगा तो वहां पर इंजन जो है वो एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और जब इंजन पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो जो शाफ्ट्स हैं वो आपको पता है अनलोडेड हो जाएंगे, उसमें कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं रहेगा, क्लच और गियरबॉक्स लिंक्ड रहेगा, एंगेज्ड रहेगा आपस में, ना आपको क्लच दबाना पड़ेगा ना ही आपको थ्रॉटल छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा, और आप जैसे ही गियर चेंज करेंगे गियर जो है पर्टिकुलर स्पीड पर चेंज हो जाएगा, और जैसे ही गियर चेंज हो जाएगा और उसके बाद जो है वापस जो नॉर्मली फ्यूल की इंजन में सप्लाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा
कि ये पता कैसे चलेगा कि भाई किस टाइम पर फ्यूल जो है कट करना है या किस टाइम पर स्पार्क कट करना है। क्विक शिफ्टर का मेन काम यही रहता है, क्विक शिफ्टर के जो गियर लीवर होता है उसके पास एक प्रेशर सेंसर बोल सकते हैं या फिर एक ट्रांसड्यूसर लगा रहता है जो कि प्रेशर को गियर लीवर पर सेंस करता है। जब आप गियर लीवर पर एक ऑप्टिमम प्रेशर डालते हैं गियर चेंज करने वाला, तो वो प्रेशर सेंसर जो है वो वहां पर ECM को जो है सिग्नल भेजता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कि भाई ECM जो है आप स्पार्क काट दो या फिर फ्यूल काट दो, यहां पर प्रेशर आ रहा है, बंदे को राइडर को जो है गियर चेंज करना है। और उसी पर्टिकुलर सेकंड पर ECM वहां पर फ्यूल कट करता है और जैसे ही शाफ्ट्स आपस में सही उस पर आ जाती हैं, सही स्पीड पर अनलोडेड हो जाती हैं, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस सेकंड पर गियर चेंज हो जाता है आपका और प्रेशर सेंसर जो है कहता है हाँ भाई अब वापस जो है फ्यूल और स्पार्क आपका स्टार्ट कर दो। तो इंजन की स्पार्किंग भी सही हो जाती है, वापस जो है मतलब नॉर्मली जैसे इंजन वर्क करता है वैसे ही फ्यूलिंग भी होने लगती है, स्पार्किंग भी होने लगती है। अब जितना सिंपली मैंने आपको ये समझा दिया, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, वो सवाल होगा कि अगर सिंपल है क्विक शिफ्टर इतना ही, तो हम किसी भी मोटरसाइकिल में अपनी क्विक शिफ्टर लगा सकते हैं? क्विक शिफ्टर आप फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल में लगा सकते हैं, कार्बोरेटेड मोटरसाइकिल्स में भी आया करता था लेकिन वो स्पार्क कट करता था। अब जो कंपनीज है वो फ्यूल कट के हिसाब से बना रही है क्विक शिफ्टर, और हाँ आप लगा सकते हैं, बशर्त यह कि कोई कंपनी उसके लिए आपकी पर्टिकुलर बाइक के लिए क्विक शिफ्टर जो है वो डिजाइन कर रही हो। तो जब डिजाइन क्विक शिफ्टर कर रही होगी, उसका ट्रांसड्यूसर होगा, गियर लीवर होगा, सब कुछ होगा, उसकी पूरी वायरिंग हार्नेस होगी क्विक शिफ्टर की, तो आप जो है अपनी मोटरसाइकिल में उसको इजिली फिट कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल यहां पर आपका रहेगा कि क्विक शिफ्टर जो है क्या वो एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है? बिल्कुल भी नहीं। गियर बॉक्स इंजन पूरा सेम रहता है गाड़ी का, इंजन के अंदर मैकेनिकल पार्ट्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, पूरा जो मैकेनिकली जो पार्ट्स हैं, शाफ्ट्स हैं, गियर्स हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल एक जैसी रहती हैं। जो मेन काम रहता है वहां पर वो होता है ECM का, ECM को मैं कहता हूं बाइक का ब्रेन, और वही सारे सिग्नल्स फॉरवर्ड करता है कि किस टाइम पर फ्यूल कट करना है, किस टाइम पर कितना फ्यूल भेजना है। तो वो चीजें प्रेशर सेंसर जो आपके वहां पर लगाया हुआ होगा, गियर लीवर के पास ट्रांसड्यूसर होगा, वो प्रेशर सेंसर ECU को जो है डेटा भेज देगा कि भाई आप फ्यूल कट कर दो, ECU वहां से फ्यूल कट करेगा, शाफ्ट्स अनलोडेड हो जाएंगे, शाफ्ट्स पर कोई प्रेशर नहीं होगा, इस वजह से जो गियर है वो आसानी से आपका बहुत स्मूथली शिफ्ट हो जाएगा। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्विक शिफ्टर हमारे किस काम का, एक आम आदमी के लिए किस काम का है, जो ट्रैक पर चलाते हैं उनके लिए काम का है, लेकिन क्विक शिफ्टर काफी फन टू यूज होते हैं जब आप उनको चलाएंगे, जब आप क्विक शिफ्टर वाली मोटरसाइकिल चलाएंगे जिसका क्विक शिफ्टर बहुत ही स्मूथली और अच्छे से वर्क कर रहा होगा, तो आपको काफी मजा आएगा। और अभी मैंने रिसेंटली R15 का क्विक शिफ्टर टेस्ट करा था, तो वो भी काफी स्मूथली और एफर्टलेसली वर्क कर रहा था। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल फील हुई हो, नॉलेजेबल लगी हो, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ गई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वीडियो पसंद आएगी तो मुझे पता है आप लाइक कर ही देंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।